हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, जो कि दोनों ही एक दिग्गज शेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक है IEX लिमिटेड, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, तो दूसरा है इंफोसिस लिमिटेड। अगर आज आप देखोगे मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी और निफ्टी ने फाइनली 18,000 का जो टारगेट था वो क्रॉस कर दिया है, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो IEX में तूफानी तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का मैं रीजन बताने वाला हूं और यहां से आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए सो दैट आपको यहां से मैक्सिमम गेन और रिटर्न्स हो सके। तो वहीं अगर हम बात करें इंफोसिस में, तो आज आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। इसकी भी एक प्रॉपर वजह निकल के आ रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास दोनों में से कोई सा भी शेयर है या फिर आप प्लान कर रहे हो इनमें से कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे IEX लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आज आपको पता ही होगा, करीबन 12% की तेजी आज आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली। अगर आप देखोगे, मैंने दो दिन पहले ही, अगर आप यहां पे देख पाओगे, एक वीडियो के थ्रू बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको तूफानी तेजी देखने को मिलने वाली है, और वैसा ही कुछ आज आपको यहां पे देखने को मिला। इस स्टॉक में आज आपको 12% की तेजी देखने को मिली। स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे, भयंकर तेजी आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही थी। अब यहां पे हम बात करें जो बेसिकली रीजन निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी का, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि इंडिया में जो कोल का रिजर्व्स है वो खत्म हो चुका है, मतलब कि बहुत ही कम हो चुका है, और जो कोल है इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो पावर शेयर्स हैं, एनर्जी शेयर्स हैं, उनमें आपको भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। मैंने उस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि आप कोल इंडिया, टाटा पावर, रिलायंस पावर और अदानी पावर्स जैसे शेयर को भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी आपको भयंकर तेजी देखने को मिलने वाली है आने वाले कुछ ही दिनों में। तो वही आपको देखने को मिल भी रहा है, और स्पेशली अगर आप देखोगे तो IEX में तो तूफानी तेजी आपको देखने को मिल ही रही है। ओवरऑल अगर हम यहां पे इसके की मैट्रिसेस के बारे में बात करें, तो यहां पे आप देख पाओगे कि सेक्टर के कंपैरिजन में इसका भले ही अगर आप देखोगे तो पी ज्यादा है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग ये सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करता है, तो यहां पे पीई ज्यादा मैटर नहीं करता इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और यहां पे अगर आप देख पाओगे तो ये स्टॉक शानदार रिटर्न्स के साथ साथ ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कराता है, तो यहां पे आपको डुअल बेनिफिट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप यहां पे देखो, इस वैल्यूएशन पे भी यहां पे अच्छे खासे फाइनेंशियल एनालिस्ट रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, और यहां पे जो पर्टिकुलरली तेजी आ रही है उसमें आपको यहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आपको यहां पे दुगने या तिगने रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। रिटर्न्स का नाम लिया है तो यहां पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स इसने अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ही दिनों में ही बना के दे दिए हैं। चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम अगर यहां पे उठा के देख लो, आपको इसमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। यहां पे इसको ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, करीबन 2 साल के आसपास, लेकिन 2 साल में इतने बेहतरीन इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं कि ये सबका एक फेवरेट स्टॉक है। चाहे आप कोई भी न्यूज चैनल भी उठा के देख लो, आज के टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक की बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एनर्जी एक्सचेंज शेयर है उसने 180% से भी ज्यादा की तेजी दिखा दी है कोल क्राइसिस की वजह से। तो यहां पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो मेरे ख्याल से उसको ग्रैब जरूर करना चाहिए। ये जो क्राइसिस है वो बहुत ही कम टाइम में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपको यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो डेफिनेटली आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो आप शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों ना करो, लेकिन अगर यहां पे आपको तेजी देखने को मिल रही है तो मेरे ख्याल से तेजी जरूर पकड़नी चाहिए। और ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक जैसे कि IEX लिमिटेड, टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी पावर्स, कोल इंडिया, इन स्टॉक में थोड़ा बहुत एलोकेशन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसमें जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 1 महीने में आपको ये यहां से भी डबल या ट्रिपल रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। तो ये तो रही यहाँ पे IEX लिमिटेड के बारे में बात, जो भी पर्टिकुलरली अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंफोसिस लिमिटेड के बारे में।
आज भले ही मार्केट में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन आईटी सेक्टर में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज कंसोलिडेशन फेज, करेक्शन फेज देखने को मिला। वही सेम सिनेरियो आपको इन्फोसिस लिमिटेड में भी देखने को मिला। इन्फोसिस लिमिटेड में आपको गिरावट का सिलसिला आज आपको देखने को मिला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हर एक गिरावट में आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हो, ये बेहतरीन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। डायरेक्टली अपडेट पे आता हूँ। आज यहाँ पे आपको देखने को मिला कि TCS का क्वार्टर टू रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जो TCS के रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से खराब निकल के आए हैं। यहाँ पे जो लोगों को लग रहा था कि TCS के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट यहाँ पे आपको इनके Q2 नंबर्स देखने को मिले हैं। रीजन जो निकल के आया है वो एक्सेसिव हायरिंग निकल के आया है, जिसमें कंपनी की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है। अब ये तो TCS के नंबर के बारे में बात हो गई, लेकिन यहाँ से अब जो इन्वेस्टर शिफ्ट कर रहे हैं वो विप्रो और इन्फोसिस लिमिटेड पे कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इनके क्वार्टर टू नंबर्स आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार आने वाले हैं, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इन्होंने पार्टनरशिप डील्स की है, जिस अकॉर्डिंग इनका बिजनेस ग्रो हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ से लगता है जो Q2 नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 13th ऑफ अक्टूबर को इन्फोसिस लिमिटेड के नंबर्स आने वाले हैं क्वार्टर टू के, जो कि अगर आप देखोगे इन्फोसिस लिमिटेड के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिन रहने वाला है। इसमें आपको कोई ना कोई बड़ी फ्लक्चुएशन, इवन दो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर दैट दे विल पोस्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई बड़ा फ्लक्चुएशन, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके की मैट्रिसेस पर अगर हम नज़र डालें तो अभी भी ये शेयर आपको अंडर वैल्यूड ही नज़र आएगा, मतलब ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि सेक्टर के पीई के कंपैरिजन में इसका पीई अभी भी आपको कम दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सब जो अच्छी नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ है वो ये है कि हो सकता है आपको इनके Q2 नंबर्स में एक अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट आ सकता है। लेकिन एक और चीज जो यहाँ पे इस बार ही एक्सपेक्टेड है, या तो आपको बोनस देखने को मिल सकता है या फिर स्प्लिट देखने को मिल सकता है। इन दोनों ही चीज़ों में से किसी एक चीज़ की जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो इन्फोसिस लिमिटेड की हिस्ट्री रही है वो ये है कि आपको 3-4 साल के अंदर अंदर या तो बोनस या फिर स्प्लिट देखने को मिलता ही रहता है। तो डेफिनेटली यहां से चांसेस हैं कि Q2 में आपको ऐसा कुछ देखने को मिले और यहां से जो इन्फोसिस है वो एक अच्छी खासी छलांग लगाते हुए नजर आ जाए। तो मैंने यहां पे आपको दोनों ही स्टॉक के बारे में जो भी अपडेट्स थी, जो भी यहां से सिनेरियो था और जो भी स्ट्रेटेजी आप यहां से बना सकते हो वो बता दी है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।